देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए आज की पहल टीवी से। टीडी माणिकपुरी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव बालोद के अंतर्गत पाकर भाट में मतगणना का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक संगीता सिन्हा, कुंवर सिंह निषाद, अनिला भेड़िया, पुनः बालोद जिले के तीनों विधानसभा में भारी बहुमत से विजय हुए हैं। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर फटाके फोड़ते हुए बधाई दी और खुशी जाहिर की, मगर राज्य में सरकार नहीं आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह कम बना रहा। मतगणना स्थल में सैकड़ों लोगों की भीड़ भी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक की जीत पर फटाके फोड़े। मैम, इस बार आपको दोबारा जीत का मौका मिला है और जिस तरह बालोद की जनता ने आप पर फिर से विश्वास जताया, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ संजारी बालोद विधानसभा की, सभी हमारे भाई लोगों को, बहनों को और हमारे युवा साथियों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और फिर से मुझे अपने विधायक के रूप में चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे उस और साथ में हमारे जितने कर्मठ कार्यकर्ता है, ये श्रेय उनको भी जाता है कि उन्होंने खूब मेहनत किया है, जी जान लगा के मेहनत किया दिन रात एक करके और आज हमारा हम फतह हासिल किए। मैम, इस बार आप अगली पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या प्लानिंग कर रही हैं? अभी तक तो चल रहा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, आपने देखा है कि हमने किसान भाइयों के लिए बहुत काम किए हैं, युवा साथियों के लिए, महिलाओं वर्ग के लिए, और इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे आगे भी। राज्य में यदि भाजपा की सरकार बैठती है तब आपकी योजना क्या होगी? राज्य की भाजपा की सरकार बैठेगी तो जो आज हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य को आगे बढ़ाना, छत्तीसगढ़ बात को, हमने देखा है कि 2000 से हमारा अस्तित्व में आया था छत्तीसगढ़ राज्य, लेकिन आज तक कभी ये नहीं लगा था कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में राज करते हैं। आपने देखा होगा कि 5 साल के जो राज है हम लोग का, जो हमारा जो शासन था भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो उन्होंने भरोसा हासिल किया था और छत्तीसगढ़ में लगा कि आज छत्तीसगढ़ियों लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ की कल्चर संस्कृति को उजागर करने का काम किया था। और आज इस बार भी हम इसी में जाएंगे कि हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं हर क्षेत्र में। धन्यवाद मैम, और आपको अग्रिम